मैं हूं डॉक्टर सज्जन राज पुरोहित और मैं हूं कैंसर विशेषज्ञ मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एट मैक्स वैशाली एंड मैक्स नोएडा। दोस्तों, आज मैं आपको एक कैंसर जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, उसका नाम है लिम्फोमा, उसके बारे में बात करूंगा। क्या होता है लिम्फोमा? लिम्फोमा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने वाले सेल्स होते हैं, उनका कैंसर है। लिम्फोमा के अंदर हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे जो लिम्फ नोड के जो मासेस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक सप्लाई के जो एक पार्ट हैं, उनके अंदर कोई सेल्स अबनॉर्मल हो जाएं और वो एक बड़ी गांठ का रूप ले लें, तो हम उसको लिम्फोमा बोलते हैं। आपने बहुत जगह इसका नाम सुना भी होगा, ऐसे आनंद मूवी में भी सार्कोमा का नाम लिया गया था। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों को लिम्फोमा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान तो है, बट इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर हमारी बॉडी के सेल्स अबनॉर्मल हो जाएं और वो इम्यूनिटी को ना देने की जगह पर वो खुद ही बढ़ने शुरू हो जाएं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करें, तो ऐसे कैंसर को हम लिम्फोमा बोलते हैं। अब इसमें जो वेराइटीज़ होती हैं, वो काफ़ी तरह की वेराइटीज़ होती हैं। दो मेजर वेराइटीज़ जो हैं लिम्फोमा के अंदर, एक है हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरी वेराइटी है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ये दो ब्रॉड वेराइटीज़ हैं। इसके आगे और फर्दर सबटाइप्स भी होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लिम्फोमा के लक्षण क्या होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के अंदर शुरुआत में लिम्फोमा जो होता है, एक गांठ के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये गांठ जो है, ये गले में किसी रूप में हो सकती है, ये आपके बगल में हो सकती है, ये जांग में हो सकती है, या पेट में तिल्ली बढ़ने की वजह से या वैसे गांठों के रूप में भी हो सकती है। शुरुआती जो स्टेज होता है उसके अंदर ये जो गांठ होती है, ये पेनलेस होती है। तो बहुत बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है ऐसी गांठ बन गई होगी, मुझे कोई चोट लगी है उसकी वजह से गांठ हो गई है। तो ज़्यादातर लोगों में पहले ये सिर्फ गांठ के रूप में होती है, उसके बाद ये गांठें एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने शुरू हो जाती हैं। जैसे किसी को अगर पहले गले में गांठ हुई, तो उनको बाद में बगल में गांठ आ सकती है, जांघों के एरिया में गांठ आ सकती है। तो इसी तरह से इसका स्टेज जो है वो शुरुआती स्टेज से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब स्टेज बढ़ता है तो कुछ लोगों के अंदर बुखार आना, भूख में कमी हो जाना, वजन का गिरना, खुजली होना, और इसके अलावा कभी कभी और सिम्टम्स जैसे कि कहीं से भी ब्लीडिंग होना या हीमोग्लोबिन का कम हो जाना भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा लेट स्टेजेस में ये बोन मैरो को इन्वॉल्व कर सकता है और बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट की वजह से बाकी हमारे बॉडी के फंक्शंस पे भी इफेक्ट इसका पड़ सकता है। तो लक्षण यही होते हैं दोस्तों। अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या सब टाइपिंग होते हैं, कैसे इसकी हम कन्फर्मेशन करते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं।